हमारे लौकिक शरीर का नाम पीके चंद्रमणि है और 52 वर्ष पहले ही हैदराबाद सिंध में 13 बरस में मैं इस ज्ञान में आई थी। उसके पहले हम बहुत भक्ति भी की है और स्कूल में भी 10वीं तक पढ़ाई की। दादी आपकी नाम चंद्रमणि जो है वो लौकिक में था या बाबा ने दी हुई? ये जो चंद्रमणि नाम है वो अव्यक्त बाप दादा का तो दिया पहले हुआ नाम है। क्या था? उसके पहले मोतिल नाम था। जब मैं बाबा के पास आई तो बाबा ने फिर मोती नाम रखा। ये तीसरा नाम है। ये नाम कैसे पड़ा? चंद्रमणि तो ये अव्यक्त बाप दादा ने जैसे जैसे जीवन में संस्कार शीतल स्वभाव सरल स्वभाव देखते हैं तो उस अनुसार नाम भी दिया हुआ है करके हमारे से बाबा ने सेवाओं का ही कार्य कराया है। तो आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे? हाँ, राज विद्या भी पढ़ाते थे। तो ये अध्यात्मक सुबह के टाइम हम जैसे स्कूल राज विद्या का होता है, इंग्लिश पीरियड होती है, हिसाब, सिंधी, हिस्ट्री, तो हम 4-5 बहनें आपस में थी, दादी थी, शांतामणि, मिठू बहन, ऐसे हर एक को अलग अलग पीरियड थी। हमको अंग्रेजी पढ़ाने की पीरियड थी तो हम फिर वो पीरियड लेती थी और बाबा फिर हमारे ऊपर में जैसे प्रिंसिपल प्रोफेसर होता है बीच बीच में आके पीरियड लेते थे और हमारे से रोज़ सारे दिन की दिनचर्या रात्रि में पूछते थे और हमको उसमें भी सिखाते थे। तो कैसे कैसे बच्चों को से चलना है, कोई रोता है तो ऐसे नहीं है उनसे गुस्सा करके और उनके को हैंडल करना है, लेकिन प्यार में सब कुर्बान होता है, उनको भी समझाना है। तो उनकी क्योंकि बुद्धि डेवलप होनी चाहिए तो ये एक दिव्य बुद्धि बाबा चाहता था कि छोटे छोटे बच्चों को भी मिलनी चाहिए। ज्ञान का गोला है तीर तोबों से तीखा, यानी ज्ञान हमको ऐसा बाबा का अच्छा लगा जो मनुष्य कहता है कोई। हाँ, वैसे तो गाने में मातेश्वरी होशियार थी, वो हमको सिखाती थी गीत। जैसे दूसरा भी हमको एक गीत है, मैं तो हंस हंस जन्म बिताऊंगी, क्योंकि शुरू में बहुत नशा रहता था और गीत भी बाबा ऐसा, हम तो ऐसे शब्द बाबा को कोई रिकॉर्ड होता था तो वो दे देते थे, पर बाबा 2 बजे उठ के और उन शब्दों को बदल के ज्ञान का करते थे और वो हमको सदैव पहले ओम शब्द से बुलाते थे, ओम रामा, ओम मोती, ओम मिठू, और हम भी कहते थे ओम बाबा, ओम राधे। इस अर्थ से तो ओम यानी पहले पर आत्मा का परिचय आ जाता है, ओम मनम में वो पवित्र आत्मा। तो बाबा हमेशा कहता था इस स्मृति से बुलाओगे और इस स्मृति से बात करो, इसलिए बाबा हम ऐसे ऐसे गीत लिखते भी थे। जैसे जसोदा निवास बाबा के बिल्डिंग का नाम था उसके स्त्री के नाम से, और ओम पिछाड़ी की धुन लगाने से इस अर्थ सहित तो नाम ओम मंडली पड़ गया उसका। और जब भी ओम नवास में भी ओ दूसरी बिल्डिंग जो हॉस्टल थी उसका भी ओम नवास नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बिजलियों का एक बहुत बड़ा ओम ऊपर में लगाया था जो सारे शहर में दिखाई पड़ता था, तो ओम नवास जिसमें निवास करते हैं। बड़े अर्थ से ये दोनों बिल्डिंग पर नाम पड़ गया था। और हम भी ऐसे जब भी बाबा ये गीत हमको देते थे अर्थ करने के लिए तो बड़े ऐसे ज्ञान के मस्ती के भी होते थे। जैसे ये गीत है तो मैं तो हंस हंस जन्म बिताऊंगी, मैं तो नाचत हरी गुण गाऊंगी, मैं तो
नाचत हरि गुण गाऊंगी। लक्ष योगी ने ओम बताया, आई एम आत्मा माई मम माया। मैं तो आई को माई, मैं तो माई को आई मिस माऊंगी। मैं तो हस हस बड़े मौज से हम जो भी पुराने गीत है बाबा सब अनुभव के हैं हमारे। चंद्र श्री शीतल यो मणि की ज्योत्सना से भरपूर दादी चंद्रमणि जी आध्यात्म की उन बुलंदियों को छू रही थी जहां से ना तो लोक हृदय दूर था और न ही प्रभु प्रेम। विविध वर्णी अलौकिक व्यक्तित्व की धनी दादी चंद्रमणि जी का परिचय शब्दों की सीमा में बंधना नहीं चाहता। वह तो अनेकों को त्याग, तपस्या, संयम, सेवा एवं सदैव प्रसन्न रहने की प्रेरणा देने वाली ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार मूर्त उन गिनी चुनी विशेष आत्माओं में से एक थीं जिन्होंने विश्व सेवा में अपना सर्वस्व स्वाहा कर डाला। 11 मार्च 1997 की रात को सहसा इस समाचार ने सबको चकित कर दिया कि एक महाज्योति अनेकों की ज्योति जगाने हद का कलेवर छोड़ अव्यक्त हो गई। क्या ये सत्य है? जिसने भी सुना किसी के गले ये बात नहीं उतरती थी क्योंकि वह अपने अंतिम श्वास तक हंसते मुस्कुराते उमंग उत्साह बढ़ाते सेवाओं को उड़ने के पंख लगाते अंगड़ित आत्माओं को नवजीवन प्रदान कर रही थी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय प्रारंभिक काल में जब ओम मंडली के रूप में विख्यात था तब 1937 में सिंध हैदराबाद में दादी चंद्रमणि जी संपर्क में आई। अभी तो उनकी 15 वर्ष की अल्प आयु ही थी किंतु उनमें होनहार विभूति की वह अनेकों विलक्षणताएं थी जिससे कहा जाए कि होनहार विरवान के हो चिकने बाद। उनकी इसी विशेषता ने उनके अन्य परिजनों को आकर्षित किया। उन दिनों में एक यही परिवार था जो दादा के पास आकर ओम मंडली में पूर्ण रूपेण समर्पित हुआ। वह विविध सेवाओं में सक्रिय हुई। लंबी अवधि तक उन्होंने पंजाब, हिमाचल, हरियाणा की क्षेत्रीय प्रबंधन करते, ज्ञान सरोवर विद्यापीठ की भी संभाल करते, कर्नाटक क्षेत्र का भी प्रबंधन देख रही थी जिस दौर में उन्हें बेंगलोर सेवा का निमंत्रण मिला। अंगड़ित हृदय की साम्राज्ञी दादी चंद्रमणि जी चुंबकीय व्यक्तित्व की धनी शिव शक्ति सेनानी थी। बाल ब्रह्मचारिणी दादी जी जगत माता से पालना देती थी। अहम विष्णु चतुर्भुजम के स्वमान ने उन्हें निर्भय निर्विकल्प बना दिया था। उनकी सिंह गर्जना एवं दृढ़ संकल्प व्रती स्वभाव ने जड़वत बने पाषाण हृदय को जीवंत कर दिया था। तभी तो पिता श्री उन्हें शेरे पंजाब कहा करते थे। आतंक की छाया में पलते पंजाब में भी वह निर्भयता एवं शांति की अजस्र गंगा सी प्रवाहित थी। यज्ञ के इतिहास में जब भी विरोधों के मंच का उन्हें सामना करना पड़ा तो भी उन्होंने बड़ी निर्भयता व सूझबूझ से अपना कर्तव्य निर्वहन किया। दादी जी कुमारियों को कोमल नहीं, कमजोर नहीं, दुर्गुणों पर काली असुर संघारिणी बनना सिखाती थी। दादी जी की एक अद्भुत विशेषता थी कि वह सदा प्रसन्नचित रहा करती थी। कभी भी किसी ने उनके चेहरे पर चिंता व क्लेश की रंचक भी रेखा नहीं देखी। वह सरस निर्मल उन्मुक्त हास की त्रिवेणी थी। निश्चय ही म्लानमुखी बनना उन्हें जरा भी सुहाता नहीं था। निरंतर हर्ष, उनकी प्रभु प्रीति, अटूट निश्चय, ज्ञान योग की परिपक्वता एवं हृदय की निर्मलता तथा सर्प को प्रसन्नचित रहने की प्रबल प्रेरणा का परिचायक था। वह यही गाया करती थी, मैं तो हंस हंस जन्म बिताऊंगी, मैं नाचत हरिगुण गाऊंगी। तभी तो कवि ने उनकी संस्मरण में कहा, निर्मल हास आपकी छवि ने चंद्र को भी लजा दिया, मैं भी चाहा जीभर रोलूं पर रोते रोते हंसा दिया। यूं तो दादी चंद्रमणि जी अनेकों दिव्य गुणों की खान थी। वह कथनी करनी की साम्य साक्षात देवी थी। समय की पाबंद, अथक सेवाधारी, ज्ञान गंगोत्री, प्रभु प्रेम में समाहित जन जन की अति प्रिय प्राणाधार बन गई थी। उनसे ईश्वरी परिवार को पल भर भी बिछुड़ना सुहाता नहीं था। शायद इसीलिए उन्होंने अव्यक्त मिलन हेतु एवं अव्यक्त रूप से सर्व को संपूर्णता की ओर बढ़ाने
वह सेवा को विस्तार देने सूक्ष्म किंतु विशाल स्वरूप को धारण किया। उन जैसी विभूति तो ना भूतो ना भविष्यति, वह अगणित हृदय में अमर हैं, अनेकों के साथ साथ अब भी सहचरी हैं।